शुक्रवार की प्रातः सेहत विभाग की टीम की तरफ से नई सब इंसदार मंडी में मसालों के साथ पपीते पकाने वाले गोदाम में छापा मारा गया, जहां विभाग को 15 से 20 क्विंटल तक पपीता मिला जिसको मसालों में पकाया जा रहा था। छापामारी टीम की अगुवाई कर रही फूड सेफ्टी विभाग की असिस्टेंट कमीशन हरप्रीत झल्लर ने बताया कि विभाग को खबर मिली थी कि नई समझदार मंडी की सब्जी मंडी में आरकर नाम के दुकानदार की तरफ से मसालों के साथ पपीता तैयार कर बेचा जा रहा है। विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते गोदाम और दुकान में छापा मारा। मौके पर 15 से 20 क्विंटल इजहा पपीता मिला। उन्होंने बताया कि दुकानदार के पास फूड सेफ्टी एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं था। उन्होंने कहा कि मसालों के साथ पके पपीते से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, बरामद किए गए पपीते को नष्ट करवा दिया जाएगा और दुकानदार पर वंती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दो जानकारी आज बाबली मंडी दाना मंडी के पपीते दुकान दे रही थी जी। तंदुरुस्त पंजाब मिशन तहत जो कि पंजाब सरकार वालों शुरू किया गया है ताकि लोगों को सही फूड मिल सके, सही भोजन मिल सके, उसके अधीन फूड सेफ्टी विंग वालों साढ़े वालों सब्जी मंडी विच अज रेड की गई जो सीक्रेट इनफॉर्मेशन के बेसिस से की गई सी, जिस विच आर के स्टोर है इतने पपीता स्टोर उसके विच जो असी देखा तो इंस्पैक्शन करने दौरान पाया गया कि 15 तो 20 क्विंटल पपीता जोड़ा वो कैल्शियम कार्बाइड पकाया जा रहा है, जिन्होंने कॉमन लैंगुएज मसाला कह देंगे ने फ्रूट वाले, वो बहुत ही ज़्यादा सेहत लिए हानिकारक है, कार्सिनोजेनिक है, मतलब कि कैंसर पैदा करने वाला तत्व है, उसनों डिस्ट्रॉय कराया गया तो प्लस जोड़ा पपीते का सैंपल ले लिया गया तो बाकी जोड़े पपीते नष्ट करवा दिता जाएगा। किस तरह की हालत किस तरह पपीते कई फंगस लगी हुई है जी, कई गले सड़े है फंगस वाले भी है तो बाकी सारे वो कैमिकल कैल्शियम कार्बाइड पकाए गए थे। एज पर फूड सेफ्टी एक्ट कैल्शियम कार्बाइड तो बिल्कुल बैन है, इसके अंडर कोई भी फूड नहीं पकाया जा सकता बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव ने सेहत के उत्ते। उस तो बिना इथाइलीन 100 ppm तक अलाउड है, इथाइलीन के नाल पकाया जा सकता है या फिर नैचुरली पकाया जा सकता, अदरवाइज कैल्शियम कार्बाइड बिल्कुल बैन है। कार्रवाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अधीन की जाएगी, यद असी सैंपल ले लिया कैल्शियम कार्बाइड का भी तो पपीते का भी तो उस तो बाद बाकी डिस्ट्रॉय करवा दिता गया, उस तो बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके अधीन कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस नहीं लाइसेंस कोई नहीं सी जी। फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट।